यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाल नेट कक्षा 12 के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्नावली 5.3 प्रश्नावली 5.3 अस्पष्ट फलन किसे कहते हैं? अस्पष्ट फलन के बारे में पढ़ेंगे। अस्पष्ट फलनों का फलन अस्पष्ट फलनों का फलन फलनों का अस्पष्ट फलन अस्पष्ट फलन यानी आप इसको अस्पष्ट फलन पहले सबसे पहले तो लेंगे अस्पष्ट फलन पहले अपन अस्पष्ट फलनों का उपयोग करें बारे के बारे में समझेंगे। तो पहले स्पष्ट फलन किसे कहते हैं? यानी स्पष्ट फलन यदि किसी फलन में यदि किसी फलन में दो चर एक्स और वाई दोनों हो एक्स और वाई दोनों शामिल हो एक्स और वाई दोनों हो तब एक्स को वाई के पदों में एक्स को वाई के पदों में कर सकते हैं या फिर y को x के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। x को y के पदों में व्यक्त कर सकते हैं या फिर y को x के पदों में व्यक्त करते हैं तब ये फलन अब ये फलन वाई बराबर एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स है तो इसे वाई को एक्स के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। यदि x बराबर एफ वाई तो इसमें x को y के पदों में व्यक्त x को y के पदों में व्यक्त किया जा ये स्पष्ट फलन है। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई तो y को x को व्यक्त किया इसमें ये स्पष्ट फलन है। और x बराबर अगर y स्क्वायर माइनस वाई तो और अपॉन वन अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वन या आप यहाँ वाई को तो फर्क नहीं पड़ेगा तो एक्स को वाई के पदों में किया और वाई को एक्स के पदों में किया स्पष्ट फलन। सेकेंड अपने पास है अस्पष्ट फलन अस्पष्ट अस्पष्ट फलन मेरा स्पष्ट फलन अस्पष्ट फलन के बारे में करेंगे। अस्पष्ट वो फलन जिसको एक्स को वाई के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते और वाई को एक्स के पदों में नहीं कर सकते। अस्पष्ट फलन यदि किसी फलन में यदि किसी फलन में दो चर एक्स और वाई हो तब एक्स और वाई
था एस को वाई के पदों में वेट नहीं किया जा सकता। यदि किसी तरह में दो सर एस और वाई हो तो वाई को एस से पदों में एस वाई के पदों में वेट नहीं किया जा सकता। वो फलन अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो आप वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस वाई प्लस टेन वाई को एक्स से बदल रहे नहीं कह सकते और एक्स को वाई के बदल में एस प्लस फलन है या एक्स बराबर साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस एक्स प्लस ये वाई एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस वाई टेन टू एक्स टू वाई यानी इसको मैं वाई को एक्स बराबर पूर्ण कर रहे नहीं कह सकती है स्पष्ट फलन है एक्स और इसमें एक्स और वाई दोनों कमाएंगे और एक्स को वाई के बदल नहीं कह सकते वाई को एक्स के बदल में कर नहीं कह सकती है स्पष्ट फलन है। और एग्जाम्पल आप ले सकते हो टेन टू एक्स प्लस वाई एक्स बराबर कॉस वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस साइन टू एक्स प्लस वाई तो ये आपके यदि किसी फलन में दो चार एक्स और वाई लोग वाई को एक्स बंद एक्स को वाई को बंद नहीं किया जाता वो फल अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। तो अस्पष्ट फलन में जो उपकरण करेंगे तो इसकी एक कार्य विधि है तो स्पष्ट अस्पष्ट अस्पष्ट फलनों की प्लस करने की कार्य कला एक्स के सापेक्ष dvdx dvdx व x के dvdx व x के dvdx व x के पदों को dydx के गुणांक का dydx से गुणांक का x के पदों में x के पदों में dydx के गुणांक का x के पदों में एग्जाम्पल के लिए अगर देखना है तो आप यहां अपने यहां दे सकते हैं देखो वाई बराबर साइन एक्स प्लस इसका उत्तर करेंगे डी टू आर टी एक्स वाई का होगा डी वाई डी एक्स साइन का होगा कॉस एक्स प्लस वाई एक्स के संदर्भ
क्या आंसर करेंगे? देखो आप dy dx cos x plus y 1 से गुणा किया, cos x plus y plus cos x plus y dy dx से गुणा किया, cos x plus y dy से गुणा किया हमने, और स्वेलिंग तो हुआ है x के साथ में समझ में उत्तर कर लिया, फिर dy dx तो x नहीं पता होगा, dy dx और x सब तो अलग व्यक्ति स्पष्ट फलों का उत्तर निम्न का डीवे डेस याद कीजिए। अब आपको ये दिया गया है ब्रांड न्यूट्रिशन का डीवे डेस याद करें, डी डब्ल्यू आर टी एस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आकलन किया अपन ने एक्स सापेक्ष टू एक्स प्लस या के साइड और एक्स और अच्छा और वाई के पद एक साइड, ये टू डी वाई डी एक्स
लैम्डा एक्स प्लस का बोल देना माइनस टू डिवाइड डी एक्स होना चला गया आर और एक्स माइनस टू और टू माइनस टू अलग अलग भाग लगा दिया अपन ने ये आपके कैलकुलेट हो गया स्पष्ट फलन है ये देखा जाए तो एक्स और वाई बराबर पता लगा ये स्पष्ट फलन है लेकिन एक्स वाई की गुणा कैसे स्पष्ट फलन है ये आपको देखो अस्पष्ट फलन है ये एकदम स्पष्ट फलन और स्पष्ट फलन दोनों ही है लेकिन इसका फलन सीधा वाई टू एक्स का फलन व्यक्त कर सकते हैं तो ये स्पष्ट फलन है ये अस्पष्ट फलन है देखो आप डाट हल लिखेंगे इसका देखो आप डी डब्ल्यू आर टी एक्स टू एक्स ऑफ एक्स एक्स ऑफ एक्स एक्स प्लस थ्री डी वाई बराबर टेन साइन वाई एक्स का हो गया टू प्लस थ्री डी वाई डी एक्स साइन का हो गया कॉस वाई एक्स के सेशन का डी वाई डी एक्स को अलग पदों में वाई को अलग पदों में करते हैं तो आप टू और वाई डी वाई डी एक्स माइनस थ्री डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स कॉमन ले लो आप और वाई माइनस थ्री और अब टू अपना वो चाहिए डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स गुणा का भाग लो आप और वाई माइनस ये आपके इसका फल आ गया टू का उत्तर टू एक्स का उपलब्ध टू थ्री वाई का उपलब्ध थ्री डी वाई एक्स साइन का हो गया कॉस वाई टू टू फल वाई का एक्स टू वाई थ्री एक्स तो अपने कॉस को कॉस वाई प्लस डी वाई प्लस टू इधर गए माइनस हो गया डी वाई एक्स लेने बाद कॉस वाई माइनस थ्री और डी वाई एक्स गुणा कर लगा दिया अपने दोनों आप इधर देखिए डी डब्ल्यू आर टी एक्स स्पष्ट फलन है ना तो एक्स को वाई को तो वेट कर सकते हैं ना वाई को कह सकते हैं इसमें एक्स का उत्तर टू एक्स दो फलन है एक्स और वाई प्लस वाई स्क्वायर का पावर बार और से एकदम डी वाई डी एक्स कम से कम हो गया जीरो यहाँ आपके पास टू एक्स दो फलन फर्स्ट एडिटिव सेकेंड का उत्तर प्लस सेकेंड एडिटिव फर्स्ट का उत्तर टू वाई डी वाई डी एक्स बराबर जीरो यहाँ अपने यू और वी और फॉर्मूला लगाया है अपने टू वी फर्स्ट एडजेक्टिव सेकेंड का उत्कलन प्लस सेकेंड एडजेक्टिव फर्स्ट का इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है तो डी वाई डी एक्स को एक साइड और एक्स वाला उत्कलन को एक साइड ले जाएंगे तो देखो एक्स डी वाई डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई डी एक्स बराबर टू एक्स प्लस वाई उधर ले गया पसंद किया तो माइनस में आ गया ये डी वाई डी एक्स एक्स प्लस टू वाई माइनस टू एक्स प्लस वाई और डी वाई डी एक्स चाहिए अपन जिसका भाग लगा देंगे अपन टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई इसका ये डी वाई डी एक्स अपने पास आ गया एक्स का टू एक्स टू बी का फर्स्ट एजेंट सेकेंड का अपना सेकेंड एजेंट एक्स का हो गया वन पावर बार पावर से एक कम एक्स सेकेंड वाई को डिवाइड एक्स सो एक्स आंसर का होगा जीरो डिवाइड एक्स का तो वन साइड रखा अपन है डिवाइड एक्स एक्स डिवाइड एक्स टू बाई डिवाइड एक्स प्लस एक्स को इधर लेकर माइनस हो गया माइनस टू एक्स प्लस वाई तो डिवाइड एक्स से गुणा कर रहा है आठ डिवाइड एक्स को माइनस टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई